अभी दुनिया 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम के हमले से पूरी तरह नहीं उबर पाई है, क्योंकि सिर्फ 2 परमाणु बमों ने इतनी तबाही लाई थी कि एक झटके में वहां के लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और वहां पर अब भी परमाणु बम की रेडिएशन का इतना असर देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर हमले के 74 वर्ष बाद भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन एक बार फिर दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होगा जब कभी भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु युद्ध होगा, और यह भी जानेंगे कि किसके पास कितनी परमाणु शक्ति है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी परमाणु युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है, यह सिर्फ यह दर्शाने के लिए है कि एक परमाणु युद्ध से कितनी तबाही हो सकती है। भारत से सन 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, और तब से अब तक वो 4 युद्ध भारत के साथ लड़ चुका है, और चारों युद्धों में भारत से बुरी तरह हारने के बाद वहाँ के आकाओं और उनके सभी मंत्री एक बार फिर से भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर उनके मंत्रियों की बात सच निकली और कभी भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो भी गया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उस परमाणु युद्ध का क्या अंजाम होगा। भारत और पाकिस्तान के लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक झटके में मारे जाएंगे, और पूरी दुनिया में करीब 2 अरब से भी ज़्यादा लोगों पर इसकी रेडिएशन का असर होगा। लगभग 50 से ज़्यादा परमाणु बम का यूज़ होने के बाद इसकी शॉक वेव्स से कई करोड़ लोग घायल हो जाएंगे, तथा इसके द्वारा पैदा किए गए भूकंप से कई सारे घर तबाह हो जाएंगे। लेकिन भारी मात्रा में निकला काला धुआं पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा, जिससे लगभग 1/4 से ज़्यादा ओजोन परत नष्ट हो जाएगी, और सूरज की रेडिएशन पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने लगेगी। इस युद्ध का असर सिर्फ भारत या पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और इतनी तबाही का मंजर केवल यहाँ ही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सूरज की रोशनी पहुँचने में बहुत सी मुश्किल होंगी, क्योंकि वातावरण में फैला काला धुआं सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने वाली रोशनी में बाधाएं पैदा करेगा। प्राकृतिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचने के कारण जलवायु का संतुलन बिगड़ जाएगा, तथा अम्लीय वर्षा होगी, और पूरी खेती नष्ट हो जाने से भारत और पाकिस्तान समेत पूरे एशिया महाद्वीप के कई लोग भुखमरी का शिकार होंगे, और इस भुखमरी के चलते लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी, और 2 अरब से ज़्यादा लोगों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। आसमान से काले धुएं को छटने में कई सालों का समय लगेगा। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव है। तो आपको बता दें भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति के बारे में, भारत अब तक NFU यानी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी का पालन करता आया है, लेकिन हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बयान ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में यदि भारत को किसी देश से परमाणु खतरा महसूस होता है तो वह अपनी इस नीति को बदल भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान की यह नीति है कि उसके सभी परमाणु बम केवल और केवल भारत पर हमला करने के लिए ही बनाए गए हैं, और उसकी केवल एक ही नीति है कि वह परमाणु बमों का इस्तेमाल तब करेगा जब उसको किसी देश से खतरा महसूस होगा, और वह केवल खतरा भारत से ही महसूस करता है। अब आप यह भी जान लीजिए कि किसके पास कितनी परमाणु शक्ति है। भारत के पास लगभग 130 से 140 परमाणु बम हैं, और पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम हैं, और इनके नंबर के मामले में वह भारत से थोड़ा आगे है। लेकिन वेट ए मिनट, नंबर में आगे होने से कोई अधिक शक्तिशाली नहीं होता। आपने पाकिस्तान के सो कॉल्ड नसर मिसाइल के बारे में जरूर सुना होगा। उनमें जो परमाणु बम फिट हैं, उन सभी टाइप के छोटे और बड़े परमाणु बमों को मिलाकर पाकिस्तान के पास लगभग 150 परमाणु बम हैं। लेकिन
भारत के परमाणु बम की कैपेसिटी और उनकी विध्वंसक क्षमता पाकिस्तान के परमाणु बमों से कई अधिक है। सन 1998 में पाकिस्तान ने जो परमाणु बमों का परीक्षण किया था वह 20 से लेकर 40 किलो टन तक के परमाणु बमों का परीक्षण था। वहीं भारत ने 11 मई से 13 मई 1998 के बीच 70 से लेकर 230 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बॉम्ब्स का सफल परीक्षण किया था। अब भारत अपनी नो फर्स्ट यूज के सिवाय एक और पॉलिसी को भी फॉलो करता है और वो है मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी, जिसका मतलब है अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो उसे इतना नुकसान पहुँचाया जाएगा कि वो फिर कभी परमाणु हमला करने लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी परमाणु युद्ध हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को 100 लाइक मिलते हैं तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी इसी चैनल पर अपलोड होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।